देखो इसमें हमें क्या गिवन है, एबीसी साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, जिसमें हमें क्या बोला है कि सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल सपोज हमने यहाँ पे मान लिया, इवन ट्राइंगल का नेम भी हमने दे दिया एबीसी, ठीक है। अब ए और बी आपकी साइड्स हो गई और सी हाइपोटेन्यूज है, इसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के अपोजिट साइड, ठीक है। अब क्या बोला, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस आर है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो सर्कल सपोज आपका इस टाइप का हो गया, ठीक है, तीनों साइड्स को टच कर रहा है, सेंटर मार्क कर दिया हमने इसका ओ, ठीक है। अब इसका रेडियस देखो, तीनों साइड्स को टच कर रहा है तो तीनों साइड्स इसके लिए क्या है, टेंजेंट है, क्लियर। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, क्लियर। तो यहां पे 90 डिग्री बनेगा, एज वेल एज यहां पे 90 डिग्री बनेगा, क्लियर। अब ये पॉइंट्स हमने दे दिया पी क्यू आर सपोज, जहां पे वो टच कर रहा है उसे, टेंजेंट सर्कल पर टच कर रही है, वहां पे पी क्यू आर हमने पॉइंट दे दिए। तो अब ध्यान से देखो, पी पर भी 90 डिग्री है, क्यू पर भी 90 डिग्री है और बी पर भी 90 डिग्री है। तो और ओ पे आपका क्या होगा, इस तरफ ओ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी पी ओ क्यू बी कौन सी फिगर होगी आपकी, रेक्टेंगल हो जाएगी, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री है। बट अब ये स्क्वायर भी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये साइड क्या है आर और ये साइड क्या है आर। तो अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका पीओ क्यू बी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। यहां तक समझ में आया बेटा, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर, ये क्या हो जाएगी, ये भी आर, क्यू बी भी आर बन जाएगी। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये चीज मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, और हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, पी क्यू आर हमने पॉइंट दे दिए थे, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स वेयर सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर हमने पॉइंट दे दिए। अब एंगल कौन से हमने 90 डिग्री बताए थे, एंगल ओ पी बी एंड एज वेल एज एंगल ओ क्यू बी, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। रीजन इसका बेटा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, क्लियर। सो इन फिगर ओ पी बी क्यू, एंगल ओ पी बी भी 90 हो गया आपका, एंगल ओ क्यू बी भी 90 हो गया और एंगल ओ बी सॉरी पी बी क्यू भी आपका 90 डिग्री है। सो इस बेसिस पे फोर्थ एंगल भी आपका 90 आ जाएगा, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। एज वेल एज हमारे पास क्या है, ऑल्सो पीओ इक्वल्स टू क्या है, क्यू, क्लियर। दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, क्लियर। सो ये फिगर आपकी क्या हो जाएगी, देयरफॉर ओपी बी क्यू इज अ स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक है। अभी तक हमने इसको पी बी को आर दिखा दिया, देयरफॉर देयरफॉर पी बी आपकी आ जाएगी, पी बी इक्वल्स टू बी क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको थ्योरम 10.2 पता है, जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो यहां पे कौन सी टेंजेंट्स आपकी इक्वल होंगी बताओ, एपी और एसी सॉरी एआर, सी एड की लेंथ है बेटा, ठीक है, ए यहां पे, ये बी यहां पे, ये सी यहां पे, ठीक है, पॉइंट्स आपका आर है। सो एपी और ए आर भी इक्वल होंगे, ठीक है, और कौन से इक्वल होंगे बेटा, बी पी कहां से, सी क्यू और सी आर, सी क्यू और सी आर भी इक्वल होंगे। दोनों के रीजन क्या है आपका, लेंथ ऑफ
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो ये साइड्स आपकी इक्वल होंगी। अब इसमें देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें आर इक्वल टू प्रूफ करना है यहां पे। तो अगर हम एपी को देखें तो एपी को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी साइड एपी ए थी आपकी, पीबी हमने क्या निकाली आर, तो ये क्या आ जाएगी आर माइनस सॉरी ए माइनस आर, ठीक है। एपी आपकी आर माइनस ए माइनस आर आ जाएगी। सिमिलरली ए आर क्या हो जाएगी, सी माइनस आर नहीं बेटा, आपकी ए आर भी ए माइनस आर होगी। ध्यान से देखो, इक्वल हो जाएगा ना, क्लियर। एपी और ए आर इक्वल थे तो एपी और ए आर दोनों ए माइनस आर बन गए। एपी हमने यहां से माइनस करके निकाली और ए आर उसके इक्वल है। अब अगर हम सी आर के लिए बोले तो ध्यान से देखो सी आर क्या बनेगी, सी ए माइनस ए आर, यानी कि सी ए क्या है आपकी सी माइनस ए आर क्या है ए माइनस आर। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब ये सी आर किसके इक्वल है, सी आर किसके इक्वल है आपकी सी क्यू के। तो सी क्यू भी हमारी सी माइनस, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे तो सी माइनस ए प्लस आर बन जाएगा, क्लियर। अब बॉटम की दो चीजें देखो बेटा, आपकी बी सी किसके इक्वल है बी क्यू प्लस क्यू सी या सी क्यू, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या है बी, ठीक है, बी सी की वैल्यू बी है और इक्वल्स टू में बी क्यू क्या है आपका आर, और सी क्यू कितना है अभी हमने ऊपर निकाला सी माइनस ए प्लस आर। यहां तक आया बेटा? ध्यान से देख लो ये वाला पॉइंट, क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, आर इक्वल्स टू प्रूफ करना है। तो आर को एक तरफ रखना है, बाकी सब चीजें शिफ्ट करवा दो। तो हमने सी को और ए को इधर शिफ्ट करवाया तो क्या बन जाएगा बी माइनस सी प्लस ए, और प्लस ए को हमने आगे लिख दिया ए प्लस बी माइनस सी, जानबूझ के हमने इस फॉर्म में बना दिया। देखो बन रहा है, ए वहां से आया पॉजिटिव हो गया, बी पहले से यहां पे था, सी वहां से शिफ्ट हुआ नेगेटिव हो गया, क्लियर। इक्वल्स टू टू आर, अब हम टू को शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा सो देयर फोर आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, हेंस क्लियर बेटा सबको।